तो हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग। तो आप लोगों का स्वागत है मैक्स टेक्निकल 360 चैनल पे, और आपका भाई मैक्स फिर से आ गया एक न्यू एंड इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। तो आज के इस वीडियो में हम लोग रेस्पबेरी पाई 0W एंड कैमरा मॉड्यूल को यूज करके एक सर्वेलेंस सीसीटीवी कैमरा बनाने वाले हैं, जिसको यूज करके आप किसी भी जगह का निगरानी रख सकते हो एंड इसको आपके घर पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इस प्रोजेक्ट को आप लोग कैसे बना सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एट फर्स्ट हम देख लेंगे कौन से कंपोनेंट को यूज करके हम ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो इधर पे जो पहला चीज है आप लोगों को जरूरत पड़ेगा वो है एक रेस्पबेरी पाई 0W डेवलपमेंट बोर्ड की। उसके साथ साथ आप लोगों को जरूरत पड़ेगा एक 5 मेगापिक्सल का कैमरा मॉड्यूल की। इधर पे आप हाई रेजोल्यूशन का भी कैमरा मॉड्यूल यूज कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को जरूरत पड़ेगा एक कार्ड रीडर की एंड एक एसडी कार्ड की। मैं इधर पे 8GB का एसडी कार्ड यूज कर रहा हूँ, इधर पे आप लोग 4GB का भी एसडी कार्ड यूज कर सकते हो। तो चलिए अब हमारे रेस्पबेरी पाई के साथ हमारे कैमरा को कनेक्ट करते हैं। तो ये बहुत आसान है। इधर पे आप लोगों को क्या करना है, अपने रेस्पबेरी पाई 0W को ले लेना है एंड इधर पे जो आप लोग कनेक्टर देख रहे हो ना, ये हमारा कैमरा कनेक्टर है। इधर पे आप लोगों को क्या करना है, इसको सिंपली इधर पे खींचना है इस ब्लैक पार्ट को। तो ये थोड़ा सा निकल के आएगा। ओके, तो ये बहुत सेंसिटिव है, इसको देख के लगाना पड़ेगा आपको। तो इधर पे हमारा जो कैमरा कनेक्टर का ब्लैक पार्ट है, इसको आप लोगों को सिंपली इसमें आप लोगों को इंसर्ट करना है एंड ये जो इधर पे ब्लैक जो हमने इधर पे खींचा था ये पार्ट, इसको आप लोगों को सिंपली पुश कर देना है एंड ये क्या होगा, हमारा जो रिबन केबल है वो लॉक हो जाएगा। तो इधर पे आप लोग देख सकते हो हमारा जो रिबन केबल है वो लॉक हो चुका है। तो मैं क्या करता हूँ, इस कैमरा को एक स्टैंड पे लगा देता हूँ। तो हमारा जो कैमरा मॉड्यूल है वो हमारे रेस्पबेरी पाई के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो चलिए अब हम हमारे एसडी कार्ड को ले लेते हैं एंड हमारे कार्ड रीडर के साथ कनेक्ट कर देते हैं एंड चलिए अब हमारे डेस्कटॉप में स्विच करते हैं एंड इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। तो अब हम हमारे एसडी कार्ड में ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने वाले हैं। तो उसके पहले हम लोगों को कुछ फाइल्स एंड सॉफ्टवेयर्स को पहले डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। तो हम सिंपली जाएंगे क्रोम पे। तो पहला जो चीज़ हम लोगों को डाउनलोड करना है वो है एसडी कार्ड फॉर्मेटर, क्योंकि पहले हम लोगों को एसडी कार्ड को फॉर्मेट करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोगों को जरूरत पड़ेगा एक फ्लैशर टूल की, जो है बेलिना एचियर फ्लैशर टूल। इधर पे आप लोग और कोई भी फ्लैशर टूल को यूज कर सकते हो। उसके बाद हम लोगों को जरूरत पड़ेगा मोशन iOS का जो ISO फाइल, उसका हम लोगों को जरूरत पड़ेगा। सारे जो डाउनलोड लिंक्स है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर से आप लोग इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सिंपली एसडी कार्ड फॉर्मेटर को ओपन कर लेना है एंड ओपन करने के बाद आप लोगों के पास कुछ ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा। मैं इधर पे आप लोग देख सकते हो 7.40GB का एक एसडी कार्ड मैंने लगा दिया है, मतलब 8GB का। उसके बाद फॉर्मेट बटन के ऊपर प्रेस करना है एंड येस कर देना है। तो हमारा जो एसडी कार्ड है वो फॉर्मेट हो चुका है। तो इधर पे आप लोगों को क्या करना है, बेलिना एचियर जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करना है एंड इधर पे आप लोगों को फॉर्मेट जो इधर पे फाइल फॉर्मेट चूज़ करना है एंड इधर पे आप लोगों को मोशन iOS इधर पे देख सकते हो इमेज जो फाइल है, इस इमेज फाइल को आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है एंड एंटर के बटन के ऊपर प्रेस कर देना है। एंड इधर पे जो एसडी कार्ड है इसने ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया है एंड उसके बाद आप लोगों को सिंपली फ्लैश बटन के ऊपर प्रेस कर देना है एंड उसके बाद येस कर देना है। तो हमारा जो फ्लैशिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इधर पे बहुत छोटा एक इमेज फाइल है 44MB का, इसलिए बहुत जल्दी इधर पे जो फ्लैशिंग है वो कंप्लीट हो जाएगा। इधर में और एक फाइल की भी आप लोगों को जरूरत पड़ेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको पहले आप लोगों को डाउनलोड करना है एंड इसको नोटपैड के थ्रू आप लोगों को ओपन करना है। तो इधर पे जो SSID का जगह है, इधर पे आप लोगों को आपके राउटर का जो SSID है वो देना है, मतलब नाम देना है एंड उसके साथ साथ इधर पे PSK जो जगह है ना, इधर पे आप लोगों को आपके जो राउटर का पासवर्ड होता है वो इधर पे एंटर कर देना है एंड इधर पे सिंपली Ctrl+S दबा देना है। उसके बाद आप लोग क्या करना है, इसको सिंपली कॉपी कर लेना है एंड कॉपी करने के बाद आप लोगों का जो देखिए इधर पे फ्लैशिंग जो है वो लगभग इधर पे कंप्लीट हो चुका है। इधर पे पहले आप लोगों को एसडी कार्ड को पहले अनप्लग करना पड़ेगा एंड फिर से आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर लेना है एंड इधर पे आप लोग देख सकते हो इधर पे फॉर्मेट नहीं, इधर पे क्लोज कर देते हैं एंड इधर पे आप लोग देख सकते हो हमारा जो USB ड्राइव है वो कनेक्ट हो चुका है एंड इधर पे जाके आप लोगों को सिंपली वो जो फाइल हमने कॉपी किया था ना उसको इधर पे पेस्ट कर देना है।
तो हमारा जो नेटवर्क कनेक्शन है, ये जो फाइल है ना, बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा फाइल से क्या होता है, तो ये जो फाइल है ये नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमने डाला है, जिससे क्या होगा ये इजीली हमारे राउटर के साथ कनेक्ट हो जाएगा एंड हम लाइव जो फुटेज है ना वो देख सकेंगे। तो चलिए अब हमारे एसडी कार्ड को इजेक्ट करते हैं एंड हमारे रसबेरी पाई के साथ कनेक्ट करते हैं। तो इधर पे हम लोग सिंपली हमारे एसडी कार्ड को हमारे कार्ड रीडर के साथ रिमूव कर देंगे एंड हमारे रसबेरी पाई में इसको कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद आप लोगों को सिंपली क्या करना है, एंड इधर पे आप लोगों को क्या करना है, एक सिंपली माइक्रो एसबी केबल ले लेना है एंड हमारे रसबेरी पाई के जो पावर पोर्ट है उसमें कनेक्ट कर देना है। एंड सिंपली आप लोग इसको आपके नॉर्मल जो एडाप्टर्स होते हैं उस पावर एडाप्टर्स उसमें भी कनेक्ट कर सकते हो एंड आपके कंप्यूटर में भी कनेक्ट कर सकते हो। तो मैं इधर पे मेरे कंप्यूटर के साथ मैं इसको कनेक्ट करने वाला हूँ, तो मैं सिंपली इसको कनेक्ट कर दूंगा एंड फिर से चलिए कंप्यूटर में स्विच करते हैं। तो अब आप लोगों को क्या करना है, जिस डिवाइस पे आप लाइव फुटेज देखना चाहते हो उस डिवाइस को जिस नेटवर्क से आप लोगों ने रसबेरी पाई को कनेक्ट किया है सेम नेटवर्क से कनेक्ट करना पड़ेगा एंड कोई भी एक नेटवर्क स्कैनर को आप लोगों को ले लेना है। तो मैं इधर पे एडवांस आईपी स्कैनर का यूज़ कर रहा हूँ एंड उसके बाद आप लोगों को इसको स्कैन करना है। एंड इधर पे हमारा जो मोशन आईओएस का जो आईपी है, जो हमारा रसबेरी पाई का आईपी है वो मिल जाएगा। तो इधर पे आप लोग देख सकते हो हमारा जो रसबेरी पाई का आईपी हमें मिल चुका है। तो इधर पे आप लोगों को क्या करना है, सिंपली कॉपी करना है हमारे आईपी एड्रेस को एंड आप लोगों को सिंपली कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन कर लेना है एंड इधर पे सिंपली जो आईपी एड्रेस आप लोगों ने उधर पे कॉपी किया है इसको पेस्ट कर देना है। तो इधर पे आप लोग देख सकते हो हमारा मोशन आईओएस जो है वो स्टार्ट हो चुका है एंड इधर पे शूट चल रहा है, आप लोग देख सकते हो। हाय, इधर पे आप लोग देख सकते हो ये कैसे हो रहा है। इसका रेजोल्यूशन आप सब कुछ चेंज कर सकते हो, इधर पे जो इंसान बना हुआ ना इसके ऊपर आप लोगों को पेस्ट करना है एंड इधर पे यूज़र आईडी पे आप लोगों को एडमिन दे देना है। यूज़र आईडी जो है वो है एडमिन, इधर पे पासवर्ड होगा एमटी एंड इधर पे आप लोगों को लॉगिन कर लेना है। एंड इधर पे आप लोग देख सकते हो हमारा जो एक्स्ट्रा बहुत सारे सेटिंग्स है वो आप लोग अभी चेंज कर सकते हो एंड इसको चेंज करके आप एक परफेक्ट एक लो कॉस्ट सीसीटीवी कैमरा बना सकते हो। आप लोग देख सकते हो ये कैसे काम कर रहा है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो यूज़फुल एंड अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिएगा एंड फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़्यादातर ज़्यादा शेयर करने का कोशिश कीजिए। एंड आप लोगों को मेरे साथ बात करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, हाय हेलो नहीं मेन बात बोलना, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, डीएम्स आते हैं मुझको। एंड उसके साथ साथ आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर सकते हो। मैं इधर पे फ्री एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड ई बुक्स प्रोवाइड करता रहता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तो बाय बाय।